घुस जा घुस जा कैमरे अंदर घुस जा। हे गाइस, व्हाट इज अप, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मूवीज देखने का शौक तो सबको होता है, लेकिन मूवी या शॉर्ट फिल्म बनाने की जो जर्नी होती है वो बहुत प्यारी होती है, उसमें बहुत मस्ती फन होता है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी लेटेस्ट शॉर्ट फिल्म चोर मचाए शोर का BTS वीडियो, यानी कि वो कैसे शूट हुआ था ऑन लोकेशन, उसकी पूरी स्टोरी आप जानेंगे आज। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं वीडियो को। स्टोरी मैंने लॉकडाउन के पीरियड में लिखी थी, जब सब कुछ बंद था, सब अपने घर में थे, तब मैंने ये स्टोरी को लिखा था और इसका स्क्रीन प्ले बनाकर इसको कंप्लीट करके रखा था। और मैं इंतज़ार कर रहा था इसके राइट टाइम का, शूटिंग के राइट टाइम का। इसका राइट टाइम दोस्तों आया 2022 के मई या जून में। तब मैंने 2 दिन की छुट्टी ली ऑफिस से और 2 दिन का मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 4 दिन की छुट्टी में हमने इसको जो है प्लान किया। जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई तो मैंने अपनी पूरी टीम को जूम मीटिंग इन्वाइट किया और हमने जूम मीटिंग में पूरी डिस्कशन की कि इसकी शूटिंग कब रखेंगे, कैसे क्या पूरी प्लानिंग होगी। पूरी प्लानिंग हमारी जूम मीटिंग पे हुई क्योंकि हम लोग सारे अलग अलग थे। शूटिंग इसकी हमने 3 दिन का शेड्यूल बनाया था, जो कि एक ही गांव के अंदर शूट हुआ है पूरा, पिपलोन, जो कि नीमच के पास गांव है पिपलोन। डायरेक्शन में दोस्तों, मैं डायरेक्शन में ये समझता हूँ कि अगर आप एक डायरेक्टर हैं तो आपको अपने कैरेक्टर्स को या अपने जो आपके रोल प्ले कर रहे हैं उनको आपको एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसको एक दिमाग में उनके क्लियर होना चाहिए पिक्चर की, हमें हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो ये चीज़ उसका मैंने ज़्यादा फोकस किया, मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में उनको एक्सप्लेन किया। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे अभी इस वीडियोज़ में, मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में उनको एक्सप्लेन किया, खुद परफॉर्म करके मैंने बताया कि इसको ऐसे करना है, और उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रैप्स किया। आई अप्रिशिएट देयर वर्क, बहुत अच्छा काम किया सभी लोगों ने। अब देख, शूटिंग पे फन और मस्ती होना बहुत ज़रूरी है, एक माहौल होना ज़रूरी होता है मस्ती मस्ती का। तो हमने बहुत मस्ती करी शूट पे और इतना मज़ा आया ना शूट करते हुए, सीरियसली आप जब देखेंगे ना, हम लोगों ने खूब मजाक मस्ती करी और मजाक मस्ती करते करते हमने पूरा शूट किया। और हमारे लगभग सारे शूट मजाक मस्ती में ही होते हैं और बहुत अच्छे से होते हैं और हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। चल चल चल, उठ चल चल चल, उठ उठ जा फटाफट। सर प्लीज प्लीज लास्ट बार माफ कर दीजिए, मम्मी की कसम जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करूंगा, प्लीज सर प्लीज। अबे छोड़ 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 साला, अंदर कुछ नहीं पहना है मैंने। दादी को हमने कैसे ढूंढा? सो दादी का एक अलग ही किस्सा है। मेरा एक फ्रेंड है आदित्य नाम से, सो उसने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट करी थी अपने दादी की लॉकडाउन के टाइम पे, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो फिट थे कि यार यही दादी इस कैरेक्टर के लिए बेस्ट है। तो दादी तो वहीं फाइनल हो गई थी, क्योंकि मुझे इस कैरेक्टर के लिए एक चुलबुली दादी चाहिए थी, मतलब जो मजाक मस्ती रियल लाइफ में मजाक मस्ती करती हो। और दादी ने जो
जिस तरह से हमने जो समझाया उसको जिस तरह से उन्होंने ग्रैप किया वो आउटस्टैंडिंग था गाइस। मतलब इतना अच्छे से उन्होंने समझा और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। हाँ, कुछ दिक्कतें आई उनको एक्ट करने में और डायलॉग बोलने में, कई दिक्कतें आई क्योंकि वो नॉन एक्टर है, क्योंकि वो उन्होंने कभी किया नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए उनकी एज के हिसाब से, अगर देखा जाए कि उनकी एज के लोगों में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और लोगों ने इसकी तारीफ भी की है। आपने देखा ही होगा दादी मुझे मैंने पकड़ो था, मतलब वो ये पलंग के नीचे भरे गए मैंने पकड़े रहा हमने, वो बीच में ही हो आप एक आड़े दादी एक आड़े बोलो बीच में थोड़ा फंस गए। हाँ, अब दो ही हूँ हाथियों नहीं हूँ घेरे तो उन्हें, आप कहाँ जाएगा साले। सेट जो हमने इसका लगाया था, हमारे दोस्त जिनका घर है, जो दादी का जो घर है उन्हीं के घर में हमने शूट किया था। 3 दिन का शूट किया था, 3 दिन तक बहुत परेशान किया हम लोगों ने उनको। 3 दिन तक मतलब वो इतने परेशान हो गए थे, मतलब इतने परेशान हो गए थे कि एक समय तो उनसे कुछ मतलब जो है उन्होंने अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जवाब देना भी हमको जो है बंद कर दिया था अच्छे से। वो लोग चिढ़ गए थे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने 3 दिन तक लगातार उनके घर में शूट किया, जो हमने मतलब उम्मीद नहीं की थी हमको कि इतने दिन लगेंगे। बेटा दिखने में तो तू शरीफ घर का लगता है, लेकिन कोई मजबूरी में चोरी करने आया है। मैं शरीफ घर का हूँ, मुझे भी आज पता चला। इधर आ मेरे पास बैठ।
अब कहाँ जाएगा साले, आ जाओ दादी मारते साले को। अब आएगा चोरी करने के लिए। हेलो पुलिस स्टेशन, ये डायरेक्टर साहब। अब अगर हम बात करें एडिटिंग की, तो हमारे पास एडिटिंग का एक हीरा है जिसका नाम है यशदीप चौहान। इतनी मुझे तो पहले ही क्लियर था दिमाग में कि एडिटिंग जो है, क्योंकि हम लोग दिन में शूट कर रहे थे, उसको मैं रात में कन्वर्ट करना था, तो हमारी पहले डिस्कशन हो गई थी रूम मीटिंग में कि इसको कैसे करना है, तो वो उसका श्रेय पूरा जाता है यशदीप को। एडिटिंग से लेकर साउंड वाउंड जो भी, मतलब पूरा एडिटिंग का सब पूरा श्रेय यशदीप चौहान को जाता है। मन तो करता है कि दोस्त, अरे यार इस नेटवर्क को भी अभी जाना था। एक बज गई यार, चलो सोते। रिफ्लेक्टर दोस्तों क्या होता है ना कि बड़े फिल्म मेकर्स के पास काफी बजट होता है, और हम हैं स्टार्टिंग बडिंग फिल्म मेकर्स, हमारे पास इतना बजट नहीं होता है कि हम हर चीज़ को हम लोग जो है उसको रेंट पे लाएं। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्टर को एक, हमने मतलब देसी तरीके से हमने एक रिफ्लेक्टर लेके आया। रिफ्लेक्टर कुछ नहीं, एक कट्टा है, उस कट्टे को हमने जो है सनलाइट के अपोजिट में हमने उसको यूज़ किया है ताकि उनकी आंखों के नीचे जो गहरे हैं वो ब्लैक ना आए। इसके लिए हमने यूज़ किया रिफ्लेक्टर को, जो कि एक देसी कट्टा है, मतलब जिसमें अपन सामान भरते हैं कट्टा, वो वाला कट्टा नहीं, चलाने वाला नहीं, मिर्ज़ापुर वाला नहीं। चोर आर्यन चौधरी और मिस्टर राज वाईटी, ये लोग ऑलरेडी कॉमेडी वीडियोस करते हैं, मेरे साथ एक वीडियो भी मैंने भी काम किया है पहले उन्होंने, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर थी कि मुझे इस कैरेक्टर में किस टाइप का बंदा चाहिए, और वो दोनों उसके लिए फिट हुए, तो इस तरह से आर्यन चौधरी और उनकी कास्टिंग हुई। Yes, I go back.
गुरुजी माल उधर नहीं, माल तो इधर है। जानू मेरा सोना। चंदू की तुझसे प्यार करती होगी तो जरूर पलटेगी। पलट पलट पलट। टीम, मेरी टीम बहुत प्यारी है दोस्तों। मेरी टीम में सभी मेरे भाई लोग ही हैं, सब लगभग सब भाई लोग ही हैं, तो हमारा एक अलग ही नेपोटिज्म चलता है। सब हम लोग फैमिली वाले सब सारे काम कर लेते हैं, लेकिन हाँ मतलब जो है सभी बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर मेरी टीम ना होती तो शायद इतनी अच्छा काम मैं नहीं कर पाता, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता गाइस। सो एक टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है और एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है। सो मेरी टीम, आई लव यू गाइस।